दोस्तों अगर आपको डॉग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एटमिक्स, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए लेटेस्ट डॉग हेल्थ नॉलेज वीडियोस और फिश हेल्थ नॉलेज वीडियोस देखिए सबसे पहले। तो दोस्तों आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे कि आपको अपने डॉग को क्या क्या खाने को दूध दे या नहीं, फिर बाहर के जो वेजिटेबल्स में क्या देना चाहिए, फिर फ्रूट्स में क्या देना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चन आपके मन में होंगे कि क्या क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई डॉग को कुछ प्रॉब्लम होती है, एलर्जीज होती है कि डॉग के लिए जो है वो डेंजरस काम करता है, पॉइजन का काम करता है कोई कोई फूड। तो आपके उनमें ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, फिर आप मुझे कमेंट के जरिए भी पूछते हैं कि सर हम दूध दे सकते हैं या फिर नहीं, फिर क्या सर हम जो खाने में क्या क्या दे सकते हैं, मकाई दे सकते हैं नहीं, फिर चॉकलेट भी दे सकते हैं नहीं, और मीठा कोई कोई डॉग ऐसा होता है जो उसको खाने के साथ अगर मीठा नहीं दे तो खाना भी नहीं खाता, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है और बहुत सारे ऐसे खाने के बारे में। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में, मेरा नाम है विकी और दोस्तों आज मैं आपको सब पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप दे सकते खाने को अपने डॉग को और क्या नहीं देना चाहिए, कौन सा जो डॉग के लिए अच्छा हेल्दी और बेस्ट फूड रहेगा और कौन सा नहीं, घर का भी आप कौन सा खाना दे सकते हैं कौन सा नहीं देना। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स में जो है मैं वीडियो में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों ऑलरेडी जो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, अगर आप उसमें नहीं देखी तो आप जो आई बटन में जाकर देख सकते हैं, डॉग का हार्मफुल फूड कौन कौन से होते हैं वो जो है उस पर भी एक वीडियो बनाई है, या फिर डिस्क्रिप्शन में फिर या फिर वीडियो के एंड में भी दे सकता हूँ, आप ये वीडियो होने के बाद भी देख सकते हैं या फिर बाद में भी कभी जब आपको इच्छा हो तब भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले बता दूं आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके जितना तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा व्हाट्सअप जहाँ पे भी आप कर सके, अपने फैमिली मेंबर या फिर आप जिनके पास डॉग है उनके पास जरूर दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो है मैं शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है इसके बारे में जो खाने के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ क्या देना है क्या नहीं देना, तो आपके मन में कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे कि हम तो पहले से देते हैं हम डॉग को, अभी हमारे डॉग को तो कुछ हुआ नहीं भाई, तो अभी ऐसी कैसी वीडियो बना रहे हो आप। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ वक्त के साथ जो है आप तुरंत अपने डॉग को खाने को दो तो आपको तुरंत ही कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी उसकी एलर्जी नहीं होगी, बट जैसा जैसा वक्त बीतता जाएगा आपके डॉग को जो आपकी जो है प्रॉब्लम आपको दिखने लगेगी, जैसे स्किन इन्फेक्शन, बालों का झड़ना हुआ, फिर उसको कुछ जो टिक्स या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होते हैं वो भी चालू हो जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती, कुछ गंभीर बीमारी हो जाती जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, फिर किडनी प्रॉब्लम हुआ, ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी डायरिया हो जाता है, फिर कभी कभी बुखार हो जाता है, तो उसको जो है दवाखाने में कभी कभार एडमिट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी बहुत खान पान में डॉग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने खास ये आपके लिए वीडियो बनाई है, तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम आपके डॉग को आप क्या क्या नहीं देना चाहिए, मैं जो है लिस्ट आपको वन बाय वन जो बताते रहता हूँ वो आपको चीज़ें बिल्कुल ही आपके डॉग को नहीं देने की, अगर कभी कभार आप भी दे रहे हैं या फिर अभी भी दे रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं चॉकलेट की। तो दोस्तों चॉकलेट भी आपके डॉग को बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, अगर आप चॉकलेट देते हैं या फिर बाहर की कैडबरी वगैरह होती है, बाहर कोई भी चॉकलेट यानी कैडबरी के सिवा कोई भी और भी चॉकलेट आप अपने डॉग को देते हैं तो उसके कारण डॉग को जो है डायबिटीज़ होने का बहुत खतरा होता है, जैसे कि आप कम से कम उसको एक या दो बार जो चॉकलेट देता हो अच्छे से खा भी लेगा और खुशी से खा लेगा, उसके लिए जो कुछ भी करेगा ट्रेनिंग भी अच्छे से कर लेगा या फिर आप जो उसको बोल लेंगे वो भी जल्दी से जल्दी करेगा, बट आपके डॉग के लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उसको डायबिटीज़, हेयर प्रॉब्लम हुआ, स्किन इन्फेक्शन हुआ, ऐसे सारे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप मीठे में भी आपको कुछ नहीं देना और जो चॉकलेट भी आपको बिल्कुल नहीं देना, मीठा शुगर शक्कर बिल्कुल आपको कुछ नहीं देना मीठे में, या कभी कभार क्या होता है बाहर से आप मिठाई लेके आते हो तो कभी कभार आप दे देते तो एक बार कभी भूल चुके या फिर कोई अच्छा फंक्शन हुआ फिर कुछ घर में खुशी की खबर हुई तो आप एक बार तो दे सकते हैं, बट आप रेगुलरली ऐसा देंगे तो जो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है डिजीज आ सकते हैं। फिर दोस्तों जो दूसरा फूड है वो है आपके घर के जो प्याज आप जो सब्जी में डालते हैं या फिर आपके घर में इस्तेमाल करते हैं, आपको बिल्कुल भी डॉग को प्याज बिल्कुल भी नहीं देना, हालांकि कोई कोई ऐसे ओनर होते जो प्याज देते थे डॉग को जो सब्जी में डाल के कि अच्छा स्वाद आएगा और अच्छे से खा लेगा, बट ऐसा नहीं, कभी कोई कच्चा भी दे देता है खेलने के लिए कि जाओ खेलो तो उसके साथ अच्छे से खेलते खेलते बट वो खा भी लेता है, तो वो भी दोस्तों अच्छा नहीं है, दोस्तों आपके डॉग के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जो दोस्तों तीसरा फूड है वो जो है एप्पल तो आप दे सकते हैं, पर उसके अंदर का जो बी होता है यानी जो उसके अंदर जो बी आता है वो आप बिल्कुल ही नहीं दीजिएगा अपने डॉग को, क्योंकि अगर वो देता है तो पॉइजन का काम करता है, अगर वो खा भी लेता है तो उसके शरीर में जो है पॉइजन फैलना चालू हो जाता है जिसके कारण उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती है या फिर वो बहुत सारी वोमिटिंग या फिर डायरिया फिर ऐसी बहुत सारी जो दिक्कत उसको आ सकती है, आप चाहे तो एप्पल दे सकते हैं बट उसका जो बीज है वो निकाल के आपको उसको देना है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से आपको कुछ भी नहीं देना। चीज़ है वो है अल्कोहल,
यानी जो बियर फिर ड्रिंक्स जो होता है वो आपके डॉग को बिल्कुल ही आपको नहीं देना। हालांकि कोई ओनर ऐसे हो जाते हैं जो दे देते हैं अपने डॉग को, ऐसे जो फालतू में जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि अल्कोहल दे दे या फिर फेप्सी देते हैं या फिर ऐसा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही मत दीजिएगा आपके डॉग को। बहुत सारी जैसे दिक्कत हो सकती है, जैसे कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो सकता है, उसको लेटरिंग हो सकती है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, ताकि कोई कोई ऐसे डॉग होते हैं जो है ऑफ भी यानी फिर मर भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत सीरियसली दोस्तों बात है। आप बिल्कुल अल्कोहल मत दीजिएगा, बियर कोई कुछ भी आपको जो है देना, अगर आप बाहर की पेप्सी या फिर कोको कोला या फिर कुछ भी ऐसा देते तो वो भी बिल्कुल मत दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही डेंजरस है डॉग के लिए, आपकी डॉग की हालत बहुत ही ख़राब कर देगा। अगर आपको आपके डॉग से प्यार है तो दोस्तों इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रखिएगा। और दोस्तों अल्कोहल या फिर बियर हो तो दोस्तों आप भी मत लीजिएगा दोस्तों, आपके डॉग को भी बिल्कुल ही मत दीजिएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो आप कभी कभार सुबह उठने के बाद आप चाय पीते या फिर कॉफ़ी पीते होगे, तो कभी कभार आप डॉग को भी दे देते थोड़ी बची कुची या फिर थोड़े आपके सिंगल में से या फिर कप में से थोड़े आधा, तो दोस्तों ये बिल्कुल मत कीजिएगा, डॉग को जो है कॉफ़ी चाय बिल्कुल मत दीजिएगा। इसके कारण उसके पूरे बाल झड़ने की, उसका पूरे बाल जो है कोट है पूरा ख़राब होने के चांसेस होते हैं, उसको सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, वो काँप सकता है कभी कभी, उसकी जो है डेथ भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चाय भी बिल्कुल आपको नहीं देना, कॉफ़ी भी बिल्कुल आपको नहीं देना, भूले चुके भी आप उसे मत दीजिएगा, और साथ साथ में आपको दूध भी बिल्कुल ही नहीं देना। अगर आपको आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी जो दूध पे ऊपर जो है वीडियो बनाई कि आपको डॉग को क्यों दूध नहीं देना, तो आप चाहे तो ऊपर आई बटन में आपको दे सकता हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्यों दूध नहीं देना, तो उसके लिए मैंने पर्सनल वीडियो बनाई, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी कॉफ़ी और जो है चाय बिल्कुल अपने डॉग को बिल्कुल ही नहीं देना। फ्रेंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके डॉग का जो आप टूथब्रश या फिर उसके दांत साफ करते होगे, तो दोस्तों जो इंसान में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आप अपने डॉग के लिए मत यूज़ कीजिएगा। हालांकि क्या होता है, आप कभी साबुन होते हैं, शैम्पू होता है, फिर टूथपेस्ट होता है जो इंसान के लिए यूज़ करते हैं आप, तो दोस्तों इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क होता है, उनकी स्किन में बहुत कुछ डिफरेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप डॉग के प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिएगा, आप जो है इंसान के लिए फिर मानव के लिए जो भी यूज़ होते हैं वो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। आप अपने डॉग के लिए पर्सनली जो है आप बाज़ार से मार्केट से लेके आ सकते हैं, टूथब्रश हुआ, शैम्पू हुआ, फिर जो साबुन वगैरह लगाते आप जो कंडीशनर लगाते, तो डॉग के लिए स्पेशल आता है तो आप वहाँ से जाके लेके आ सकते हैं दोस्तों बाहर से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके डॉग के लिए भी और आपके लिए। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ग्रेप्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अपने डॉग को अंगूर किशमिश बिल्कुल ही नहीं देने का। आपको आप बाज़ार में से घर पे लेके आते हो, आप खुद खाते होगे तो उसको एक दो देते हो, बिल्कुल ही मत दीजिएगा दोस्तों ऐसे, क्योंकि वो जो है डेंजरस एंड पॉइजन का काम करता है, आपके डॉग के जो स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस है और कुछ और भी बीमारी होने के चांसेस है। ध्यान रखिएगा, किशमिश अंगूर बिल्कुल ही उसको मत दीजिएगा, तो ताकि आपके डॉग बहुत ही हेल्दी और अच्छा रहे। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट भी आता है जो है कॉर्न यानी कुछ पॉपकॉर्न वगैरह आप अपने डॉग को नहीं दे सकते, या फिर कॉर्न जो है बाज़ार में मिलता है वो भी आप मकाई बोलते हैं उसको, वो भी आप जो है डॉग को मत दीजिएगा। उसके भी कारण जो डॉग को हेल्थ के जो इशू आ सकते हैं या फिर कुछ उसको डिजीज हो चुकी है तो वापस से होने के चांसेस होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मकाई पॉपकॉर्न हुआ फिर ये बिल्कुल आप उसको बिल्कुल ही मत दीजिएगा। तो आप उसे जो है एक पूरी हड्डी या फिर कच्ची हड्डी भी बिल्कुल मत दीजिएगा अपने डॉग को खाने के लिए, क्योंकि उसका डाइजेस्ट सिस्टम जो डाइजेस्ट नहीं कर सकता या फिर उसको गले में भी फंसने के चांसेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कोई कोई ऐसे ओनर होते हैं जो बाज़ार में से हड्डी बाय करके उसको डायरेक्ट दे देते कच्ची, तो ऐसा मत दीजिएगा। और कच्चा मांस भी उसको बिल्कुल नहीं देना है आपको, जो आपको अगर कुछ नॉनवेज उसको खाने को दे रहे हो तो कच्चा मांस बिल्कुल ना दीजिए, कच्चे अंडे भी आपको नहीं देना, कच्ची फिश भी आपको नहीं देना, सब आप उसको बॉयल करके दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप फिश देते टाइम पे उसके जो कांटे होते हैं वो सब बाहर निकाल के आपके हाथों से फिर उसको खिलाइएगा, ऐसे नहीं डायरेक्टली उसको दे दिया तो उसके कारण बहुत सारे उसके कांटे फंसने के चांसेस होते हैं, उसका गला छिलने के चांसेस होते हैं और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ गई जिसके कारण आपके डॉग को एडमिट भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, और एग देना है आपको तो बॉयल करके आप उसे दे सकते हैं, और अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप जो है उसको चावल के साथ दे सकते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चावल भी जो है बॉयल करेले होने चाहिए, बस कच्चे बिल्कुल नहीं देना आपको, और मांस में भी बिल्कुल कच्चा कोई भी चीज़ नहीं देना। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं उनको क्या क्या देना चाहिए। तो आप जो है उसको राइस दे सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं, फिर बनाना भी आप उसे डॉग को दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा डॉग के लिए और डॉग के हेल्थ के लिए भी। और दोस्तों ब्रेड हुए, फिर डॉग बिस्किट हुआ, फिर पाइनएप्पल हुआ, ये सारे आप उसे दे सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ज़्यादा मत दीजिएगा और मीठी चीज़ आपको नहीं देनी है। डॉग के अलग बिस्किट आते हैं वो आप दे सकते हैं, ब्रेड भी उसे दे सकते हैं, बट रेगुलरली मत दीजिएगा जिसके कारण उसको आदत या फिर हैबिट हो जाएगी। अगर आपको हैबिट के बारे में जानना है तो ऊपर जो है आई बटन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको दे दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी वीडियो जरूर देखिएगा कि आपके डॉग की हैबिट कैसी लगती है और कैसे आप छोड़ सकते हैं उसकी हैबिट।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए आपके डॉग को, क्या क्या देनी चाहिए, जो मैंने ना बताई उसके अलावा आप सब कुछ दे सकते हैं अपने डॉग को। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, फिर कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पे मैसेज करके भी आप हमें पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी हम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जो है अपडेट देता रहता हूँ वीडियो के रिलेटेड या फिर डॉग्स के रिलेटेड। तो दोस्तों वहाँ पे भी अब हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज या फिर इंस्टा पेज पे जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।